कांग्रेस इस समय चुनावों में लगातार हार, एक के बाद एक सत्ता से दूरी, आपसी गुटबाजी, संगठन में असंतोष और बगावत का सामना कर रही है। इन मुश्किलों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि वह अपनी ऊर्जा अपना घर ठीक करने में लगाए या फिर विरोधी से निपटने और उनके खिलाफ जमीन पर कारगर लड़ाई लड़ने में। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चिंतन और मनन करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का नव संकल्प चिंतन शिविर करने का फैसला किया है, जिसमें 2024 के आम चुनाव सहित आगामी असेंबली चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन होगा। इसमें पार्टी के सभी सांसदों, तमाम विधायकों, प्रदेश के अहम नेताओं और पदाधिकारियों को लेकर फ्रंटल इकाइयों तक के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, ऐसे में संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और अपने विचारधारा से जुड़ी उस पर चर्चा होगी। साथ ही देश में किस तरीके से नफरत और झारखंड में किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, इन सारे विषयों पर चिंतन शिविर में चर्चा होगी। उदयपुर में आयोजित नौ संकल्प चिंतन शिविर में शामिल होने जा रहे हैं और वो 13, 14, 15 को आहूत है। उसमें जो संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और जो हमारी विचारधारा से जुड़ी चीजें हैं उस पर चर्चा होगी। जो आज देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किस तरह पूरे देश में नफरत का माहौल है, झारखंड में किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, इन सारे विषयों पर चिंतन शिविर में चर्चा होगी। और 3 दिन हम लोगों की शिविर में ग्रुप डिस्कशंस होंगे। सभी जो नेता आएंगे पूरे देश से, प्रदेश अध्यक्ष, CLP लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं, महिला कांग्रेस की सदस्यता हैं, सदस्य हैं, सब लोग आ रहे हैं वहाँ पे और वो सारे अपने अपने संगठन को लेकर के चर्चा करेंगे। हम समझते हैं बहुत सकारात्मक चर्चा होगी और उस सकारात्मक चर्चा को लाभ जो है अंत में भारत के लोगों को मिलेगा। देश के लोगों के लिए हम लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।